दोस्तों तो अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंडेक्ट करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धर्म तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल रामकृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएसडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी के पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश से साई धरम तेजी लिवेता पेथुराज सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल रामकृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे की ईश्वरीय राजेश धर्म तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवेरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंग तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव ऊपर पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और नव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर देखिए आपको दोस्तों मूवी के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे की ईश्वरीय राजेश धर्म तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मोली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल कृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हेंसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के पर जाकर इंजेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर देख करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धरम तेजी लिवेता पेथुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर देख करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजे से साई धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल रामकृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एन है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इन करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे की ईश्वरीय राजेश धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने ओफानी कृष्णा मुल्ली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमनी वि जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और नव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बेहतरीन से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश साई धर्म तेजी निवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एपर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को जय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और नव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धरम तेजी लिवेता पेतुराज सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ तो नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी भी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के एप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजे से साई धर्म तेजी लिवेता पेथुराज सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर तो इंजॉय तो कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशर एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हेंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है। ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर, तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरु का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हेंसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएसडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों तो अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश साई धर्म तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ तो नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हेंसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों तो अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक्ट करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य राजेश साई धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी, अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएसडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ तो नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों तो अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे की ईश्वरीय राजेश धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मल्ली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऊपर पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों तो अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंडेक्ट करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मोली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव ऊपर पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी के पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के पर जाकर कर दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर देख करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन तो इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धर्म तेजी लिवेथा पेतुराज सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुल्ली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस का प्रकार तो आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजेक्ट कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इंजेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नये नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर देख करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने कोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल कृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक, एक एवेरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और नौ में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक आपको दोस्तों मूवी के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर देख करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दे दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश धर्म तेजी निवेता पेतुराजी सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या ने पोफानी कृष्णा मुल्ली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एन है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इन करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे की ईश्वरीय राजे से साई धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और नव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐपर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के एपर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेहतरीन से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर देख करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धरम तेजी निवेता पेतुराजी सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशर एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हेंसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव नव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश धर्म तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मोली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेन तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव की पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के एप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश साई धर्म तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बॉक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर एंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस सौ सत्तर में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा भी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे विष्णु विष्णुवर्धान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.9 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 88 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजे से साई धर्म तेजी निवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी, भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा था पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से uh, जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हेंसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राज्य से साई धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या ने पोसानी कृष्णा मुरली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल राम कृष्ण आमिनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के एप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से तो जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम का काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीटी पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखावाणी में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म में झील को प्रदूषित कर रहे हैं कानी पांजा अभी अभी राम पर केंद्रित जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एमआरटी में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास कर के बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएफडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है ये सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों तो अगर आप भी रिपब्लिक मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी एक अक्टूबर दो में रिलीज की गई थ्रिलर एंड एक्शन मूवी रिपब्लिक जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजेक्ट करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों देवा कट्टा जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को आई की तरफ से दस में से सात पॉइंट नौ की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को एट्टी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है और अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में भी आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ईश्वरीय राजेश धरम तेजी लिवेता पेतुराजी सुरेखा बोक्सर धीना राम्या कृष्णा ने पोफानी कृष्णा मल्ली सुब्बा राजू जगपति बाबू राहुल रामकृष्ण आमनी वी जयप्रकाश आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे बत्तीस मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी अच्छी टाइम लेन तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको जी फाइव के ऐप पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को जी फाइव के एप पर जाकर एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है उन्नीस में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी और मछली पकड़ने और खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील थी चालीस से अधिक वर्षों से मुख्य रूप से विशाखा में स्वामित्व वाली झील पर बने मछली पकड़ने में फार्म झील को प्रदूषित कर रहे हैं कहानी पांजा अभी, अभी राम पर केंद्रित है जो एलुरू का एक स्मार्ट और अधर्मी युवक है जो अपने परिवार में भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज में सच्चा और ईमानदार रहना पसंद करता है जबकि उसके पिता पांजा दशरथ एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है जो उसे नापसंद करने का कारण बनता है उनके पिता विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च अंकों के साथ उसे एम में सीट मिल जाती है हालांकि अपने पिता के चुनावी धांधली में भाग लेने के कारण वे इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में गहराई से उतरने का फैसला करता है अभी जल्दी ही मायरा हैंडसेन से मिलता है जो एक एनआरआई है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हैंडसेन की तलाश कर रही है जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी गुना नाम की एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत हुई थी इसी बीच एक नई पार्टी की स्थापना करके और चुनाव में क्लीन स्वीप करके वाणी ने किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंदुकुरी वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया बाद में अभी की मुलाकात एक ऑटो चालक मणि और उसके पिता से होती है जो वाणी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी बीच अभी और मायरा को पता चलता है कि वरुण मृत पाया गया है लेकिन उसकी लाश का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस से कोई सहायता नहीं मिलती है यूपीएससी परीक्षा पास करके बाद अभी दिल्ली में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन में बचपन की घटना के कारण उसे पीटीएसडी का अनुभव होता है वह मणि को गुना द्वारा मारे जाते हुए देखता है जो वाणी के आदेश के अधीन है यह सब देखने के बाद अभी अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तो आगे क्या होता है दोस्तों मैं आपको रिवील नहीं कर सकता लेकिन यह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों ये मूवी जी फाइव के ऐप पर देखने को मिल जाएगी आप इस मूवी को जी फाइव के ऐप पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत